प्रेडिक्स प्रिया, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, एंड ये प्रोडक्ट आप सबको बहुत यूजफुल रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एपिलेटर है, इसका आज मैं यूज करने वाली हूँ, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसे कैसे यूज किया जाता है, इसका मतलब एक्चुअल रिजल्ट कैसा है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, तो ये फिलिप्स का एपिलेटर है जो कि मैंने अमेजोन हॉल में आपके साथ शेयर किया था, अमेजोन से मैंने परचेस किया है। तो सीधा इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ पहले कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है और ये एपिलेटर बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो गाइस एंड तक वीडियो जरूर देखना। फिलहाल आपको मैं दिखाती हूँ इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो काफी कुछ उन्होंने दिया है, मैनुअल दिया है एंड वारंटी कार्ड दिया है। तो वारंटी इसके साथ आपको मिलती है 2+1 ईयर की वारंटी, जो अच्छी बात है। एंड ये जो एपिलेटर आप देख रहे हो सेम ऐसे ही दिखने वाले फिलिप्स के, और दो तीन ऐसे कुछ एपिलेटर्स है जिसका प्राइस वैरी करता है, मतलब बढ़ता है प्राइस 5000 ऐसा कुछ, 3000-5000 ऐसे प्राइजेस है। बट ये वाला जो मेरा है इसका मैं प्रॉपर लिंक, इसका प्रॉपर नाम एंड परचेस लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। पहले डेमो देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, तो आप भी डेमो देखने के बाद पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो प्लास्टिक का हेड उन्होंने दिया है, कैप दिया है एक्चुअली, जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं अंडर आर्म्स या फिर बिकिनी एरिया, वहाँ के हेड निकालते समय आपको ये प्लास्टिक वाला कैप यूज़ करना है, अदरवाइज आप हाथों पैरों के लिए बॉडी के लिए सिंपली ये ऐसे रिमूव करके ये प्लेन ऐसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी छोटा सा, काफ़ी क्यूट सा है एंड कलर वाइट एंड पिंक दिया है, जो हम लेडीज़ एंड गर्ल्स को बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा आप देख सकते हो साइज़, एंड ग्रिप काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्टर्डी, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक उन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे उन्होंने ये ऐसा ये एक्चुअली चार्जर नहीं है, तो इसको प्लग इन करके ही आपको यूज़ करना है, मतलब ये कॉर्डलेस नहीं है, तो कॉर्ड आप प्लग कर सकते हो। वायर काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है, तो आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे प्लग इन कीजिएगा एंड जैसे मोबाइल का चार्जर हम लगाते हैं वैसे प्लग इन कीजिए। यहाँ पे उन्होंने 2 स्पीड दी है, तो आप फर्स्ट या सेकंड जो भी स्पीड आपको प्रेफर होती है और आप वो यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो साइज़ वाइज सब कुछ, और जो बॉडी है उसकी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो एपिलेटर का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हेयर मैंने ग्रो करा के रखे हैं पैरों के ऊपर, वैसे मैं ज़्यादा ऐसा डेंस बाल नहीं है, बट फिर भी मतलब वैक्सिंग या फिर जो हम शेव करते हैं उससे अच्छा ऑप्शन ये है एपिलेटर का। सो यहाँ पे आपको इसका नॉइस मैं सुना दूंगी, कितना ऐसे आवाज़ आता है इसका। एपिलेटर का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, बट ये जैसे काम करता है, सिल्की स्मूथ स्किन आपको प्रोवाइड करता है, वो देखिए आप वो साउंड जो है वो इग्नोर कर दोगे। एंड बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है ये आपके लिए, अगर आपको हेयर रिमूव करने हैं रूट से, अगर आप शेव करते हो तो ऊपर ऊपर से हेयर निकल जाते हैं एंड बस दो तीन दिन में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि बहुत ऐसे अनकम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ऐसे चुभते हैं। एंड अगर आप वैक्सिंग करते हो तो वही बाहर जाओ या फिर चिपचिपाहट जो होती है वो सब कुछ, एंड समर में तो बहुत दिक्कत हो जाती है वैक्सिंग कराने में, बाल निकलते ही नहीं। एंड अगर आप घर पे करते हो, खुद से करते हो, तो मतलब शामत ही आ जाती है हमारी। सो मुझे ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है यार, क्योंकि बड़ी आसानी से आप बाल निकाल सकते हो, वो भी रूट से। एंड ये जो हेयर आप निकालते हो ना, वो जल्दी ग्रो भी नहीं करते, मतलब अगर बाल रूट से निकलते तो बहुत टाइम लगता है उन्हें ग्रो करने में। एंड जब बाल ग्रो करते हैं वापस से, तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे बाल चुभते नहीं है, तो बहुत ही सॉफ्ट से जैसे हमारे ओरिजिनल बाल है वैसे ही निकल आता है। जब भी आपको लगे कि बाल यहाँ पे थोड़े से अटक गए, तो ऐसा ब्रश का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। एंड आप देख सकते हो कितनी आसानी से बाल मतलब एपिलेट हो रहे हैं। एंड ये भी मैं आपको बता दूँ, जो है चुभन थोड़ी सी होती है, जैसे वैक्सिंग करने के बाद फटाक से हमें थोड़ा सा दर्द होता है, वैसे यहाँ पे होता है। थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग करने में, स्टार्टिंग जब मैं यूज़ करी थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कैसे होगा पता नहीं, बट एक बार मैंने किया मतलब 1 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए मुझे ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट बाद में मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ, क्योंकि इतने स्मूथली बाल निकल जाते हैं, सॉफ्ट स्मूथ स्किन आपको प्रोवाइड हो जाती है। एपिलेटर के केस में एक और बेनिफिट ये है कि बस आपको एक ही बार 2-2.5 हज़ार जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना है, बाद में तो आपको ये ऐसे ही यूज़ करना है घर में, एंड हर बार आपको पैसे स्पेंड नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है बाहर आने जाने में, या फिर जो भी होती है अनकन्वीनियंस, जो भी चिपचिपाहट वगैरह वो सब कुछ सहन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फर्स्ट टाइम जब आप ये यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, बट उतना ज़्यादा ऐसे दर्द नहीं होता, क्योंकि ये इवनली बाल ऐसे निकालता है, ऐसा नहीं कि एक एक बाल ऐसे प्लक होता है, नहीं। तो आराम से आप इसे कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो बहुत ही आराम से, मतलब कुछ एक 5 मिनट में मैंने सारे जो एक पहर है मेरा पूरा कवर कर दिया है। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं एपिलेटर चला रही हूँ, उनके एक एक बाल कहीं कहीं पे छूटे हैं वो निकाल दूंगी। एंड यहाँ पे आपको हेयर के अगेंस्ट जाना है, मतलब जो हेयर का डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट ये चलाना है, तो अच्छे से बाल निकल जाते हैं। सो यहाँ पे है डिफरेंस, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो, आपके ऊपर है टोटल, आप सोचिएगा अच्छा लगा है तो आप परचेस कर सकते हो, लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर।
पैरों के ऊपर अच्छे से आप देख सकोगे, इसलिए मैंने पैरों के ऊपर चला के दिखा है। आप चाहे तो बॉडी पे किसी भी पार्ट के ऊपर इसे यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान से फर्स्ट टाइम जब आप करते हो ध्यान से कीजिएगा। सो ये था आज का वीडियो। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको यूजफुल लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट एक अच्छा सा स्वीट सा कॉमेंट डाल दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपकी कुछ रिक्वेस्ट है वीडियो के बारे में, वो भी आप कॉमेंट कर सकते हो। एंड येस गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, यूजर नेम ऑलवेज प्रीटी यूजफुल। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना। बेल बटन प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मुझे डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते वीडियो की। उसका रीज़न ये है कि जो आपका ये बेल बटन है ये ऑफ है, तो इसे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे ना ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आएगा, तो वो क्लिक कीजिए, फिर आपको सारी जो नोटिफिकेशन है मिलती जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।